मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को मंडी के सोलीखड में आरोग्य आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक प्रणाली का कोई दुष्प्रभाव नहीं है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। भारत में शुरू की गई आयुर्वेदिक प्रणाली आज दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई है। मंडी शहर के लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने दिनेश धर्मा और तेजलाल चंदेल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंचकर्मा से न केवल हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है बल्कि इससे कई बीमारियां भी शीघ्र ठीक हो जाती हैं। एक शुरुआत यहां मंडी में अच्छी हुई है और आजकल के तनावपूर्ण जीवन में मनुष्य के लिए इस थेरेपी की तरफ जो है वो रुझान बढ़ता जा रहा है और हम इस चीज की कमी महसूस कर रहे थे। मंडी में शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत जो हमारी आजकल नई पीढ़ी भी इस थेरेपी के रुझान की तरफ जाती दिख रही है हमको। और उसके साथ साथ में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बहुत असाध्य जो इस प्रकार की बीमारियां भी, जिन बीमारियों के इलाज करने के साथ साथ में अगर पंचकर्मा का भी सहयोग लिया जाए तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा जो है वो रिसर्च के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि दवाइयों का असर भी बेहतर होता है और उसके साथ साथ में बीमारियों का जो है वो निदान भी बहुत बेहतर तरीके से होता है। उस दृष्टि से ये एक अच्छी एक शुरुआत है और मैं इनको बधाई देता हूँ। तो मंडी में शुरुआत पहले हुई नहीं थी इस तरह काम की, अब शुरुआत हुई है, ये अच्छा कदम है। केंद्र के डॉक्टर आंचल शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उनका स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र की ओर से लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं व पंचकर्मा के लाभों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। पंडित सुखराम जी भी चाहते थे भाई यहाँ ऐसा कुछ खुलना चाहिए। ये हमने जो बनाया था एरिया बेटी की शादी के टाइम में बनाया था तो इसका यूज भी हो रहा है और इसमें मैं अपने आप भी डेली इनके पास जाता हूँ, आरोग्य वालों के पास। तो ये इन्होंने शहर में कहीं खोला हुआ था तो ये बंद करने जा रहे थे भाई हमारा इनकम नहीं हो रही है। तो मैं अपने आप करने की वजह से फिर मैंने इनको बोला भाई ठीक है मेरे पास स्पेस भी है और जो स्टाफ है उनको मैं टेक ओवर रिटेन करता हूँ और कोशिश करते हैं इसको चलाने की। अगर नहीं भी चलता था मैं कहा साल भर हम अपनी तरफ से भी चलाएंगे, ये कोशिश है भाई चलो इससे लोगों का जो हमारे बुजुर्ग हैं वो फायदा उठाएं और नौजवान भी इस लाइन की तरफ को जाएं। तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है इससे, दूसरा स्वास्थ्य ठीक होता है तो इसीलिए हमने इसको चलाना शुरू किया है। अब देखते हैं क्या होता है, कोशिश तो हमारी ये रहेगी भाई इसको 101% चलाया जाए और इसको लार्ज स्केल में चलाया जाए जैसे पालमपुर वगैरह में है, हम उसी स्केल पर चलाना चाहते हैं इसको। स्टार्टिंग हमने बड़े थोड़े से की है 3-4 कमरों से और एक हमने योगा का हॉल बना लिया है ताकि लोगों को सवेरे योगा सिखाया जाए, योगा टीचर भी हमने रख लिया है। तो देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है।